बधाइयां बेबी तेनू बधाइयां नी। जिस दिन से मैंने अपने फेसबुक पेज पे बधाई हो थीम वाला लाइव वीडियो डाला है उस दिन से आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस टू टेल अबाउट दिस बधाई हो थीम। सो या वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव्स ऑनलाइन। मैं हूं शिवांगी, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी बधाई हो थीम की पार्टी के बारे में। रिसेंटली हमारे लायंस क्लब में हम लोगों ने ये थीम करी थी। मैंने नहीं करी थी, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने करी थी। आई वॉज अ गेस्ट देयर एंड इट वॉज अ हिलेरियस थीम। बहुत मज़ा आया, हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उस थीम में गेम्स कैसे थे। सबसे पहले तो इस तरह के उन्होंने मेंबर्स के फेस लगा के, ये वाला बधाई हो वाले पोस्टर में मेंबर्स के फेस लगा के कटआउट्स लगाए हुए थे पूरे हॉल में, जिससे कि देखते ही बहुत इंटरेस्ट आया था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग से कोट्स भी लिखे हुए हैं मूवी के डायलॉग्स, लाइक शिवांगी ने अपने पति राकेश जी से कहा कि कुंडी ना लगेगी अब से, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह से उन्होंने पूरा हॉल सजाया हुआ था, बच्चों के प्रैम, फीडिंग बॉटल्स और प्रेगनेंसी में जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ों से, बधाइयों के पोस्टर्स, कटआउट्स, इन सारी चीज़ों से पूरा हॉल उन्होंने सजाया हुआ था। यू कैन सी दिस पिक्चर्स। गेम्स भी उन लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग से रखे हुए थे। सारे गेम्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड थे, तो ऑब्वियसली थोड़े से नॉटी गेम्स थे। इसीलिए हम लोगों ने होटल के वेटर्स को पहले बाहर भगा दिया था, बिकॉज दे वर थोड़े से नॉटी काइंड ऑफ गेम्स। तो सबसे पहला जो गेम था उसमें एक एक करके टीम्स को बुलाया हुआ था, 6 मेंबर्स आपने बिठा दिए चेयर पे। उसके बाद उनको क्या करना था कि बलून फुला के अपने पेट में डालना था एज इफ दे आर प्रेग्नेंट, और उसके बाद उन्हें अपने पैरों में रस्सी बांधनी थी और एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना था। बलून पेट में डाल के जब वो पेट फूल जाता है तो नीचे झुक के रस्सी बांधना इज डिफिकल्ट, हम सबको मालूम है। जो जो हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं हमें तो पता है कि पेट जब फूला होता है तो नीचे झुकना कितना मुश्किल होता है। सो दिस वॉज द गेम कि उन्हें पेट में बलून डालना है, लुक एज इफ दे आर प्रेग्नेंट, एंड देन उन्हें अपने दोनों पैरों में रस्सी बांधनी है और फिर एक फिनिशिंग लाइन तक जाना है। जो भी मेंबर सबसे पहले उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएगा दैट मेंबर वॉज द विनर। गेम नंबर 2 इन दिस थीम वॉज एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स। इसमें उन्होंने बहुत सारे अल्फाबेट्स के कटआउट्स बना के रखे हुए थे जिसमें कि एक्स और वाई के कटआउट सबसे ज्यादा थे। तो हमें आधे मिनट के अंदर उस पूरे बंडल ऑफ कटआउट्स में से एक्स वाई क्रोमोजोम्स जो है वो अलग निकालने थे, बिकॉज हम सबको पता है कि सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोजोम्स के वजह से ही हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो इट वॉज दिस वॉज द गेम कि एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स आपको अलग करने हैं आधे मिनट में। गेम नंबर 3 वॉज पिंग पोंग बॉल। इसमें अगेन मेंबर्स को अपने पेट में बलून डालना था और एक इतनी छोटी सी बॉल थी, जो पिंग पोंग बॉल होती है, टेबल टेनिस बॉल होती है, इतनी छोटी सी बॉल को अपने दोनों नीज के बीच में फंसा के चलना है धीरे धीरे और आगे जाके एक पॉट में उसे छोड़ देना है। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है और जो भी मेंबर सबसे कम टाइम में पेट में बलून फुलाएगा, पेट में रखेगा, देन वो बॉल लेके आगे तक जाके उस पॉट में डाल देगा, जो भी मेंबर ये टास्क सबसे कम टाइम में कंप्लीट करेगा दैट मेंबर विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। फोर्थ गेम इन दिस थीम वॉज वेरी नॉटी काइंड ऑफ गेम। इसका नाम था वाटर बर्स्ट गेम। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए एक छोटी सी बेबी डॉल, वाटर बलून और बलून फुलाने वाला एक पंप। एट अ टाइम 2 मेंबर्स ये वाला गेम खेलेंगे। उस एक मेंबर जो है वो टी शर्ट पहन के अपनी टी शर्ट के अंदर फूला हुआ बलून और बेबी डॉल रख लेगा और दूसरा मेंबर पंप से जो है उस बलून को फुलाएगा। उस मेंबर को तब तक वो पंप मारते जाना है जब तक कि वो बलून बर्स्ट हो जाएगा और बेबी जो है वो टी शर्ट के नीचे से नीचे गिर जाएगा, एज इफ डिलीवरी हो गई, राइट? सो यस, इट वॉज अ नॉटी गेम बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आया खेल के, फ्रेंड्स को करते हुए देख के भी बहुत मजा आ रहा था। इट वॉज, ट्रस्ट मी, लाइक पूरी पार्टी में हम लोग हंसते ही रहते। इट वॉज दैट इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट गेम वॉज इवन नॉटियर, इससे भी ज्यादा नॉटी था नेक्स्ट गेम। मुझे पता नहीं मैं आपको गेम बताऊं भी कैसे, इट वॉज दैट नॉटी। कुडोज टू आर होस्ट जिन्होंने ये गेम रखा एंड कुडोज टू अस ऑल्सो, हम लोगों ने ये गेम खेला। सो इस गेम में क्या करना, सो इस गेम में होस्ट ने क्या किया था कि एक ब्रा ली थी उन्होंने और उस ब्रा के एक कप साइज में छेद कर दिया था और उसके अंदर घुसा दी थी एक छोटी सी फीडिंग बॉटल जिसमें कि पानी रखा हुआ था। आप ज़्यादा घुसना चाहें तो दूध भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पानी से खेला था। तो वो जो बॉटल थी, फीडिंग बॉटल, वो उस ब्रा के अंदर घुसा दी थी। एंड दिस इज अगेन 2 मेंबर्स का गेम, ठीक है? 2 लोग आएंगे ये गेम खेलने के लिए। एक मेंबर को वो बॉटल वाली ब्रा पहननी है एंड दूसरे मेंबर को वो, यू गेस डिड राइट, पीना है। दूसरे मेंबर को वो पानी जो है उस ब्रा में से सक करके
I can't even tell this in the video. It was that naughty. But बहुत मज़ेदार था फ्रेंड्स के साथ खेलने में. तो एक मेंबर को वो ब्रा पहननी है, दूसरे मेंबर को वो बॉटल में से पानी सक करके पीना है, और जो भी मेंबर सबसे कम टाइम में वो बॉटल ख़त्म कर देंगे, दैट कपल वन द गेम. ओके, सो या दिस वॉज अगेन अ वेरी नॉटी गेम. नेक्स्ट गेम वॉज अ सिंपल गेम. इसमें एक बड़ी सी बेबी डॉल उन्होंने रखी हुई थी. अगेन दिस वॉज दो मेंबर्स का गेम, और दोनों को मिलके एक एक हाथ से, दोनों मेंबर्स को अपना सिर्फ एक एक हाथ यूज करना था, और उस बेबी को नैपी पहनानी थी. तो जो भी कपल सबसे कम टाइम में नैपी पहना देगा डॉल को, दैट कपल विल बी द विनर ऑफ दिस गेम. सो या दिस वॉज अ सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बिकॉज दोनों का एक एक हाथ यूज होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. सुन के शायद आपको नहीं इतना लग रहा होगा, लेकिन एक हाथ से काम करना, वो भी दूसरे के हाथ से कोऑर्डिनेट करके, काफ़ी मुश्किल था ये गेम, लेकिन बहुत मज़ा आया. ओवरऑल ये सारे गेम्स बहुत नॉटी थे, बहुत इंटरेस्टिंग से थे, बहुत मज़ा आया हमें इनको खेल के. सो या दिस वॉज माई बधाई हो थीम, प्रेगनेंसी थीम, किटी पार्टी गेम्स एंड आइडियाज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज हमें तो खेल के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था. वी इन्जॉयड इट लाइक एनी डैम थिंग. हम लोग पूरी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ हंस रहे थे, इतनी ज़्यादा अच्छी पार्टी थी ये. सो या दिस वॉज माई गेम वीडियो फॉर टुडे. टू गिव मी फैट थम्स अप इफ यू लाइक दिस गेम आइडिया. And yeah, if you haven't yet subscribed to my channel, do not forget to subscribe before you leave. See you in my next video. Bye-bye. Love, love.